Let's have another video. कॉकलियर इम्प्लांट के दो हिस्से होता है, ऑपरेशन करके रिसीवर कान के अंदर कहा जाता है और बाहरी हिस्सा जो होता है उसे प्रोसेसर कहते हैं, वो बाहरी हिस्सा कंप्यूटर होता है। अभी आवाज की लहरें जो आई वो कान में गई नहीं, वो कान के छोटे पीछे वो लगा है वो कंप्यूटर में गई, और कॉकलिया का जो काम था इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें, कॉकलिया का काम अभी शरीर के बाहर होता है। आवाज की लहरों को इलेक्ट्रिक सिग्नल में इसमें बनाया गया और वो ऊपर जो काली कॉइल है वो ट्रांसमीटर कॉइल है, वो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल सीधी कान के नस तक पहुंचाता है जो हमने रिसीवर डाला है उसको। यानी कि मरीज का जो कान है, कान का पर्दा, उसका कॉकलिया कोई इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, वो बाईपास किया जाता है। कंप्यूटर कॉकलिया का काम शरीर के बाहर करता है और ट्रांसमीटर कॉइल के द्वारा हमने जो रिसीवर कान के अंदर डाला है नस के भीतर, वो उसमें सीधा पहुंचा देता है और मरीज को वो नस की इंफॉर्मेशन जो ब्रेन पर जाके आवाज सुनाई देती है। ये आवाज का उपयोग करने के लिए उनको 2-3 साल के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है जो ऑडियोलॉजिस्ट और हमारे स्पेशल एजुकेटर्स देते हैं। उनके बिना, स्पेशल एजुकेटर्स और ऑडियोलॉजिस्ट काम के बिना, सिर्फ कॉकलियर इम्प्लांट डालने से कुछ नहीं होता। तो वी आर अ टीम टुगेदर, सर्जन, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर।